हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे एंड फिर जो गिवन डिटेल्स हैं वो लिखेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक वेसल है, किसकी शेप में है? हेमिस्फीयर की शेप में है, जो कि एक हॉलो सिलेंडर पर माउंट है। मतलब कि उसके देख, जो हेमिस्फीयर है ना उसके नीचे रखा हुआ है, उसके ऊपर जो है सिलेंडर है। माउंटेड बाय, एक बार देखिएगा स्टूडेंट, इसको फिर से रीड करिएगा। माउंटेड बाय, इसमें ऑन नहीं बोला है, बाय अ होलो सिलेंडर। इसमें ये बोलना चाह रहा है, एक सपोज एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है सपोज, ये एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक हमारा सिलेंडर बना हुआ है ऐसे करके। अब फिर से पढ़ते हैं। अब वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। ऑन नहीं बोला है यहाँ पर, ऑन नहीं बोला है। माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर मतलब कि जो हेमिस्फीयर है उसके ऊपर रखा हुआ है एक होलो सिलेंडर। होलो मतलब कि जिसको हम खोखला बोलते हैं। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। जो वेसल है, ये है हमारा वेसल, इसकी जो टोटल हाइट है हमारे पास वो है 13 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, यहाँ तक हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सर्फेस एरिया ऑफ द वेसल। अब जो वेसल है इसका जो अंदर वाला जो सर्फेस एरिया है ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले जो गिवन डिटेल्स हैं वो हम लिखेंगे। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 14/2 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। एंड देन फिर हमें क्या गिवन है, जो टोटल हाइट है वेसल की वो है हमारी 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ वेसल इज इक्वल टू में 13 सेंटीमीटर। फिर हम देखेंगे जो हाइट होगी हमारी यहाँ से लेकर जो रेडियस है हमारा ये हेमिस्फीयर का, ये क्या है हमारा 7। जो हमारा यहाँ से ये हेमिस्फीयर है वही हमारा सिलेंडर का भी होगा 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू में 7 सेंटीमीटर। एंड देन फिर हम क्या लिखेंगे, जो हाइट है हमारी सिलेंडर की यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या होगी हमारी, अगर हम जो रेडियस है अगर हम उसको माइनस कर देंगे जो टोटल हाइट में से, फिर हमारी जो सिलेंडर की हाइट है वो आ जाएगी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू में 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर। ये हमारी टोटल हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर जो वेसल की है, उसमें से अगर हम जो रेडियस है अगर उसको माइनस कर देते हैं तो हमारी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर हाइट जो है सिलेंडर की, वो आ जाएगी, सिलेंड्रिकल वेसल है। ओके, अब यहाँ तक होता है हमारा हाफ क्वेश्चन कंप्लीट। फिर हम देखते हैं हमें फाइंड करना क्या है, ये हम लिख लेते हैं एक बार। टू फाइंड इज इक्वल टू इनर सरफेस एरिया ऑफ द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इनर सरफेस एरिया जो है हमने ये लिख लिया, ये हमें फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन जो बोला है हमसे
इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू, में हम लिख सकते हैं इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू में सी एस ए ऑफ, सी एस ए मतलब कि हम अपने वीडियोज में बता चुके हैं सी एस ए मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेरिकल वेसल। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर हमने सी एस ए क्यों फाइंड किया, सी एस ए हमने इसलिए फाइंड किया ये जो होलो पार्ट है ये तो हमें निकालना ही नहीं है ना, ये तो हमारा हट ही जाएगा, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है ये हमें फाइंड करना है इनर वाला जो है, इसलिए हम यहाँ सी एस ए निकालना है। सी एस ए जो होता है वो सिलेंडर का क्या होता है 2πRh, एंड सी एस ए जो होता है हेमिस्फेयर का होता है 2πR²h। यहाँ से हम 2π कॉमन ले सकते हैं, 2πR, R भी कॉमन है, H प्लस अंदर बचेगा ब्रैकेट में H प्लस R, तो पाई की वैल्यू हम जानते हैं 2 × 22/7, यहाँ लिख देते हैं एक बार पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14। ओके इंटू आर, हमें रेडियस क्या गिवन है, जो सिलेंडर की रेडियस है वो हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, 7h हेड जो सिलेंडर की वो हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, प्लस जो रेडियस है हमारी हेमिस्फीयर की वो क्या गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 2 = 44 हो जाएगा, इंटू 7 + 6 कितना हो जाएगा 13, इनका मल्टीप्लाई करने पर आएगा 13 × 4 = 52, 5 इधर आ जाएगा, 13 × 4 = 52 और 5 = 57, 572 cm², सेंटीमीटर स्क्वायर में ये इसलिए आया क्योंकि हम सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम वगैरह फाइंड करते तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता। यहाँ होता है हमारा इसका आंसर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।